अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एमएम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम ऑन KSE 100 देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। हम कल भी ट्रेड कर रहे थे 0.236 के ऊपर, आज भी 0.236 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। ऑल द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम्स में डेली में मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ क्लोज अबव द 0.236 लेवल, जो कि रिट्रेसमेंट थी इस पूरे मूव की। मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, फ्रॉम जून 14 हाईएस्ट अप टिल दिस लो दैट वी मेड ओवर हियर ऑन 13th ऑफ डिसंबर। तो इसको अगर आप रिट्रेस कर लें तो यू कैन हैव अ कंफ्लुएंस ऑफ 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद द 0.236 लेवल ऑन द फिबोनाची। तो उसके साथ जो हमारा कॉन्फ्लुएंस उसके ऊपर हमारे पास प्रीवियसली भी क्लोज हुआ था, बट देन इट गॉट क्लोज बैक अगेन बिलो द 0.236 लेवल। उसके बाद दोबारा जो है कल हमारे पास क्लोज आया अबव द 21 एक्सपोनेंशियल एंड अलॉन्ग विद दैट 0.236 भी, और आज हमारे पास जो क्लोज है वो दोनों के ऊपर हो गया है। सो दिस इज अ कंसेक्यूटिव सेकंड डेली क्लोज विच शुड बी इन कंसिडरेशन, जो कि एक अच्छी बात है, और इट इज पॉइंटिंग आउट टूवर्ड्स द कंसोलिडेशन और द फर्दर कंटिन्यूशन टू द अपसाइड। क्योंकि हमारे पास 0.236 के अगर दोबारा नीचे ये क्लोज हो जाता आज का, तो इट वुड हैव बीन अगेन सॉर्ट ऑफ अ दिस काइंड ऑफ अ ट्रैप, जिसमें आप बुल ट्रैप क्रिएट कर सकते हैं और दोबारा वापस मार्केट नीचे चली जाती। लेकिन इट लुक्स लाइक कि हम ऊपर क्लोज हो गए हैं, और मे बी यहाँ से थोड़ी सी कंसोलिडेशन और फिर एक ब्रेकआउट बन सकता है। ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम मैंने आपको कल बताया था कि जो बेरिश डाइवर्जेंस है वो फॉर्म हो सकती है, और एग्जैक्टली वही हुआ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समवेयर बिटवीन द 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड दिस प्रीवियस हाई, इन दोनों के दरमियान में अगर कोई लोकल हाई बना तो हमारे पास डाइवर्जेंस होगी ऑन दी RSI, एंड दिस इज द पॉइंट। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो था, इन दोनों के बीच में जो है डाइवर्जेंस क्रिएट होगी, बेरिश डाइवर्जेंस। और मैंने आपको बताया था कि वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब है ना बुलिश कैंडल गॉट फेस्ड बाय अ बेरिश कैंडल, यू कैन सी एग्जैक्टली हाई ओवर हियर कंफर्म्ड अलॉन्ग विद द डाइवर्जेंस, और उसके बाद डाइवर्जेंस प्ले आउट हो गई। फॉर नाउ वी आर बीइंग हेल्ड बाय द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द आवरली, लेकिन इसमें कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो मैंने जिस तरह आपको कल ड्रॉ करके दी थी, यू कैन सी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस ट्रायंगल को जो है वो आप कुछ अर्सा कैरी कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के हमारे पास एक चीज़ है जिसके अंदर हम मे बी कंटिन्यू करें फॉर फ्यू आवर्स मोर, या एक अदद और ट्रेडिंग डे जो है इसमें अंदर लग सकता है। लेकिन इसके बाहर यू कैन सी इट वाज अ प्री मेच्योर ब्रेकआउट ओवर हेयर क्लोज बिलो 200 सिंपल एंड ऑल्सो रिट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू दिस कैंडल, और बेरिश डाइवर्जेंस भी थी। तो ये जो ब्रेक था, ये अक्सर इस तरह के पैटर्न जो स्विंग फेलियर पैटर्न की तरफ आते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली भी कल भी बताया था कि जब एक ट्रायंगल से ब्रेकआउट होता है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू ओवर हियर, लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, और इसके अंदर जो है प्राइस आपकी ट्रेवल कर रही है समवॉट लाइक दिस, लाइक इस तरह से करके, और उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है, लेकिन वो ब्रेकआउट वापस अंदर आके क्लोज हो जाता है, तो वो क्या करता है फिर वो नीचे वाला ब्रेकआउट जो है उसको भी तोड़ देते हैं, और दोबारा प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है। सो द होल पैटर्न गेट्स नल एंड वॉइड। तो उसमें सिचुएशन में ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि उसमें एक चीज़ और भी होती है, विच इज़ के ये पैटर्न जो है अपने एपेक्स के पास जाके ये करे, यानी कि एपेक्स जो है वो यहाँ पर बनता है तकरीबन 70% ऑफ द ये जो ट्रायंगल है जब वो अबूर हो चुकी होती है, वो उसके पास एपेक्स के पास हमेशा ब्रेकआउट होता है, और ये जो है ये इट्स बिलो इवन बिफोर 50%, ये आपका भी 40% ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हुई है, और ब्रेकआउट जो था वो ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन फेल्ड। क्योंकि मैं अपने मार्केट एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये जो ब्रेकआउट्स ट्रायंगल्स में विदाउट मल्टीपल टच पॉइंट्स, या आप कह रहे हैं कि एक 50% या बिलो दैट रेंज अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो इट प्रॉबेबली गेट्स फेल्ड। वही हुआ, यहाँ पे फेल हुआ 21 एक्सपोनेंशियल, अभी तो होल्ड कर रही है, लेकिन व्हाट आई वुड वांट इज कि जो ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिस शुड होल्ड, और ये इन लाइन भी है अलॉन्ग विद द 100 EMA एंड द लोअर बैंड ऑफ द ट्रायंगल, कि हमारे पास ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इसके साथ भी वो कॉन्फ्लुएंस में है दिस ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल। थोड़ी सी बाहर है, लेकिन विक्स आ सकती हैं ट्रायंगल से बाहर, ये याद रखिएगा, बिल्कुल इस तरह यहाँ पे आई हैं, यहाँ पर आई हैं, विक्स जरूर आ सकती हैं, लेकिन क्लोजेस नहीं होने चाहिए। अगर क्लोजेस होंगे तो फर्दर कंटिन्यूशन एटलीस्ट टिल दिस पॉइंट आ जाएगी, विच इज एट 43,690 पॉइंट्स समवेयर अराउंड दैट लाइन, और उसमें जो है फिर फर्दर नीचे की तरफ आ सकते हैं। अब जिस तरह हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस बनी थी, उसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि वी कैन हैव ए क्या कहते हैं ना डाइवर्जेंस ऑन द बुलिश साइड इज वेल,
तो जो बुलिश साइड की डाइवर्जेंस है वो आपकी क्रिएट हो सकती है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड जो पॉइंट हम अगर हम आरएसए में थोड़ा सा नीचे अगर आके बनाते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि हमारा जो लो है आवरली पे वो इस लो से ऊपर बने, दिस वन, ठीक है। इस लो से ऊपर अगर आप कोई भी अगर यहाँ पर आपका लो बन जाता है 355 पे बन जाता है और आप उसको एक कैंडल को रिट्रेस कर लेते हैं एक बेरिश कैंडल को एक पॉजिटिव कैंडल से या बुलिश कैंडल से अलॉन्ग विद द आरएसआई बीइंग अ लिटिल लोअर देन दिस पॉइंट, क्योंकि हम बहुत क्लोज आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये एजम्पशन है ये याद रखिएगा, इट्स नॉट डेफिनेटली गोइंग टू टर्न आउट द वे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन ये एक लर्निंग प्रोसेस के लिए है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको कल बेरिश डाइवर्जेंस थी एक लर्निंग प्रोसेस के लिए बताई थी कि एक फॉरवर्ड एजम्पशन थी विच केम आउट टू बी ट्रू, क्योंकि अक्सर इस तरह की चीज़ें जब आप लर्न करना शुरू करते हो तो यू विल फिगर आउट कि मार्केट किस तरह फॉर्म करती है, हाउ लिटल थिंग्स रिपल आउट टू बी बिगर वंस। तो यहाँ पे आपके पास अगर ये आरएसआई इस लेवल से नीचे आती है 51.57 नीचे आती है और आपका जो लो है आवरली पे प्राइस एक्शन में वो ऊपर रहता है फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये पॉइंट जो है दिस इज समवेयर अराउंड मैं गाइड यू 43,833 पॉइंट्स। अगर इससे ऊपर ऊपर आपका लो बन जाता है तो दिस इज गोइंग टू अगेन कन्वर्ट इन टू हिडन बुलिश डाइवर्जेंस एंड देन वी कैन अगेन रैली टू द अपसाइड, और उसमें फिर ब्रेकआउट के जो चांसेस हैं फ्रॉम ओवर हियर अलॉन्ग विद द 200 सिंपल मूविंग एवरेज दोज आर गोइंग टू इंक्रीज, और उस टाइम भी यही देखना होगा कि बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो मौजूद नहीं होनी चाहिए चार्ट पे, अगर वो बेरिश डाइवर्जेंस फिर मौजूद होगी तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ फेल ब्रेकआउट वंस अगेन। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गैस कैन लर्न दिस इज वेल 0.236 जो है डेली टाइम फ्रेम के साथ अभी हमारे पास ऊपर है विच इज अ गुड साइन, और डेली टाइम फ्रेम का क्लोज होना यहाँ से 44,180 के अराउंड अबाउट थोड़ा सा मार्जिन है लाइक 3 पॉइंट्स का, लेकिन इट डजेंट मैटर फॉर द टाइम नाउ, लेकिन उसकी वजह यह है कि आपके पास जो आवरली क्लोजेस हैं उसमें 21 एक्सपोनेंशियल इज होल्डिंग, और अगर वो 21 एक्सपोनेंशियल होल्ड करती है या एटलीस्ट ग्रीन 55 भी होल्ड करती है विच इज समवेयर अराउंड 43,980 पॉइंट्स, तो आप आई थिंक वी आर गुड, और ये कंसोलिडेशन जो है इट इज प्रोबेबली गोइंग टू गिव अ ब्रेकआउट, लेकिन बायसेस अपनी जगह टेक्निकल एनालिसिस अपनी जगह वी ट्रेड व्हाट वी सी, तो आप भी इसी चीज के साथ साथ चलिएगा कि जो आपको नजर आए उसी को ट्रेड कीजिएगा, बायसेस जो हैं वो अक्सर गलत गाइड भी कर जाती हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है वो भी इसी कॉन्फ्लुएंस में है, और इसी मूव को जो पूरा हमने फिबोनाची से रिट्रेस किया था इसको अगर आप ये शॉर्टर मूव जो हमारे पास लास्ट मूव था जो ड्रॉप था अगर सिर्फ वहां तक ले आए तो यू कैन सी कि हमारे पास जो फिबोनाची कॉन्फ्लुएंस है वो भी बड़ा अच्छा बनता है यहाँ पे अलॉन्ग विद द ट्रेंड लाइन हमारे पास जो है 0.382 दिस वन एग्जैक्टली एट द 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड द ट्रेंड लाइन एरिया है, दोनों एरियाज जो है वो कॉन्फ्लुएंस में अलॉन्ग विद द 200 सिंपल, और 200 सिंपल की मैंने आपको अहमियत बताई थी ऑन द आवरली टाइम फ्रेम कि वंस वी आर अबव द 200 सिंपल मूविंग एवरेज वी आर जनरली बुलिश, यू कैन गो एंड बैक टेस्ट इट ओवर हियर एज वेल कि आप 200 सिंपल के ऊपर जो है आपके पास बहुत अच्छे अच्छे मूव्स आते हैं, काफ़ी बड़ी रैलीज आ जाती हैं इनफैक्ट, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और जब तक जब हम उसके नीचे रहते हैं तो वी आर मोस्टली आर साइडवेज और आइदर इन अ कंसोलिडेशन और अ रीडिस्ट्रीब्यूशन और इन अ डाउन ट्रेंड लाइक दिस, ठीक है। तो 200 सिंपल के मूव ऊपर आने के यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है, लेट्स सी वी कैन कम अबव दिस एंड क्लोज एज वेल, और कुछ दिन अगर ऊपर ट्रेड कर लें तो दैट इज गोइंग टू बी ऑफ अ ह्यूज इंपॉर्टेंस फॉर दिस मार्केट टू कंटिन्यू टू द अपसाइड। सो दिस इज इट फॉर केसी 100 टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।